बहनों नमस्कार किसान भाइयों आज का ग्राम सभा का जो कार्यक्रम है वो अत्यंत विशेष है जी हाँ आज 8 मार्च है और 8 मार्च होता है महिला दिवस तो महिलाओं को समर्पित है आज का हमारा ये कार्यक्रम किसान भाइयों महिलाएं हमारी दुनिया की आधी आबादी हैं और अगर महिलाएं ना हो, तो प्रकृति और सृष्टि दोनों ही सुनी हो जाएंगी बस 8 मार्च का दिन इसीलिए इन हमारे सृष्टि रूपा को ही समर्पित होता है महिला दिवस मनाया जाता है महिला दिवस पर हमने इसीलिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारी एक प्रगतिशील महिला को मालती नागर हैं गांव मोगरा से हैं जिला सीहोर से हमारे बीच आई हैं हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे बहुत बहुत स्वागत है मालती जी आपका और महिला दिवस की आपको शुभकामनाएँ सभी बहनों को नमस्ते और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी बहनों को और मैं गांव से रहने वाली हूँ जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप किस गांव से रहने वाली हैं तो अपना परिचय आप हमारी बहनों को खुद दें जी, मैं गांव मेरा गांव का नाम मोगरा है और मैं छावा ब्लॉक से रहने वाली हूँ जिला सीहोर से और मैं मतलब कृषि सखी में कार्य करती हूँ किसान भाइयों के साथ भी काम करती हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में भी मैंने जान के हमें प्रशिक्षण भी लिया है और वहाँ भी ट्रेनिंग भी दी है बिल्कुल ट्रेनिंग भी दी है तो आप अपना घर परिवार भी चलाती हैं तो घर परिवार में कौन कौन है मेरे सास ससुर हैं देवर हैं और मेरे हस्बैंड हैं दो बच्चे हैं मेरे नहीं। नहीं। बिल्कुल तो इतनी सारे परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ आप कैसे काम कर पाती हैं हमें घर परिवार में मेरे जो घर परिवार के लोग वो भी सहयोग करते हैं जैसे मेरी सास वगैरह हैं उनने भी मेरा बहुत सारा सहयोग करा है आगे बढ़ने में उन्होंने मुझे बेटी की तरह ही मतलब पूरा सपोर्ट करा हर बिल्कुल मालती जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके परिवार ने आपको बेटी की तरह रखा घर की धुरी समझा किस तरह आप काम करती हैं अपने काम के बारे में आप हमें बताएं मैं घर परिवार में मैं सुबह जल्दी उठ के घर का काम कार्य करके इसके बाद मतलब जो कृषि सखी का कार्य करती हूँ मैं गांव में मेरे पास पांच या दस गांव हैं मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ और किसान भाइयों के वो भी समझाती हूँ जो जैविक खेती है तो जैविक खेती में जैसे जैविक खाद बनाना है जैविक दवाइयाँ बनानी हैं और उनकी किस तरह से मदद हो किस तरह से उनकी बचत हो तो ये चीज़ों ने समझाती हूँ उनके यहाँ पे कार्य करती हूँ बनवाती हूँ बिल्कुल कृषि सखी का आप कार्य करती हैं है ना बिल्कुल तो कृषि सखी बनने का कैसे आपके अंदर आ, मन हुआ कैसे आपकी परिस्थितियाँ बनी कि आपने कृषि सखी बनने का फैसला लिया मैं पहले तो आजीविका मिशन के जो सहायता समूह चल रहे हैं मध्य प्रदेश डेग राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मैं उसमें समूह बना था मेरा मेरा समूह का नाम यश आजीविका है और उस समूह में जैसे मैं सर मैडम ने मेरा कुछ देखा कि ये अच्छी बोल पाती है ये कार्य कर सकती है तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई तो ट्रेनिंग दिलवाई थी मेरी दि बुधनी ट्रेनिंग हुई सात दिन की मैं सात दिन के लिए बुधनी गई भोपाल में ट्रेनिंग हुई तो मैं भोपाल ही पाँच दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए आई वहाँ मेरी ट्रेनिंग करवाई ऐसे करके मैं कृषि सखी में कार्य करने लगी तो शिक्षा के बारे में बताएं आपने कहाँ तक पढ़ाई की है मैं जब आजीविका मिशन से नहीं जुड़ी थी तब तक मैं आठवीं तक थी जी मैं आ, जब मैं कृषि मतलब आजीविका मिशन में जुड़ी तो मेरा हस्बैंड ने जो सोचा वाले ये पढ़ने में क्या पढ़ाई के पीछे ही मैं पीछे थी हर चीज़ में नॉलेज भी नहीं था तो फिर उनने मेरे, मेरी पढ़ाई करवाई दसवीं की जी हाँ। कितनी अच्छी बात है किसान भाइयों और हमारी बहनों के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश है कि जो हमारे जीवन साथी हैं वो अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो हम बहने किसी चीज़ में कम नहीं हैं और इस बात का उदाहरण हमारी मालती हैं कि इन्होंने पढ़ाई की विवाह किया और शादी करने के कर बाद बच्चों के साथ साथ परिवार भी संभाल रही हैं और आज कृषि सखी के रूप में काम भी करती हैं इतना आसान तो होता नहीं है मालती जी कि ये चीजें हो जाए केवल घर का सपोर्ट मिलने से ही कुछ नहीं होता समाज का भी हमें सहयोग मिलना आवश्यक है घर वालों ने जब हाँ कह दिया हम हाँ बाहर निकले तो बाहर समाज में किस तरह आपने समस्याओं को देखा और उसको कैसे आपने समाधान किया जैसे समस्या तो बहुत सारी मेरे साथ में आई थी मतलब मतलब गांव में भी जब गांव से बाहर निकली कोई बहू पहली बार उस से बाहर निकल के आई थी क्या बात है और तो मतलब बहुत सारी समस्या आई थी मैं उस हुँ. समस्या से घबरा भी गई थी कई चक्कर जब मेरे घर वालों ने मुझे समझाया और मतलब उनने मेरे ससुर ने हमेशा मुझे उदाहरण दे के समझाया जैसे कि वही हाथी बाहर से गांव में से निकलता है तो उस तरीके से के कुत्ते बहुत बहुत इस तरीके से फिर जब मुझे समाज से भी धीरे धीरे करके जब मैं काम करती कर काम से खुश होकर समाज वाले भी बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं हर जगह जैसे कोई भी कार्यक्रम रहता है या कहीं भी तो वो भी मुझे गर्व से बोलते हैं कि ये हमारे गांव की बहू है और ये हमारी मतलब बेटी है मतलब बेटी है और हमारी कृषि सखी है हाँ बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायी आपने हमारे साथ में अपना अनुभव साझा किया है हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए आप काम करती हैं पुरुषों के साथ भी आप काम करती हैं तो महिलाओं का किस तरह से आपको सहयोग मिलता है और आप क्या देखती हैं उनमें महिलाओं का सहयोग ऐसे मिलता है जैसे मैं गांव में जाती हूँ जी तो गांव में जैसे हमारे सोसायता समूह चल रहे हैं तो उसमें महिलाओं को गांव में घर पे ही जैसे बाजार से सब्जी लाना तो उनके घर पे ही छोटी छोटी पोषण का बनवाना तो उन्हें वो खाद दिलवा खाद बनवाना ये चीजें मैं उनको सहयोग में कर, करती हो ऐसी बात आप हमें बताइए कि जब उस काम को करने के बाद या वो मीटिंग वो घटना मिलने के बाद आपको लगा आपको गर्व महसूस हुआ कि हाँ मैंने कुछ किया है और अब मैं इस काम को तो करती ही रहूंगी चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए हाँ तो मुझे बहुत गर्व भी, भी महसूस हुआ और मैं मतलब हर जगह ये सब चाहती हूँ जैसे मैं आगे बढ़ कर कृषि से में काम कर रही मेरी बहनें भी करें और मतलब मेरा बहुत ज्यादा अनुभव है कि मैं मतलब बहुत अच्छे लेवल पे काम करके दिखाऊँ जैसे अभी कोई घटना याद आती है आपको कि कभी कोई मीटिंग वीटिंग की हो तो बहुत खुशी हुई हो हाँ मैं हुई ना जैसे मेरी अभी मतलब मतलब ऐसी ट्रेनिंग हुई थी और वहाँ पे मतलब मुझे सही मतलब पैकेट मिला था वहाँ से तो मतलब जिले के जो जिले के सर मैडम उनके साथ बैठ के मैंने ट्रेनिंग ली जी और उनके सा, उनके सब जो अधिकारी उनके हाथ से मुझे सर्टिफिकेट मिला जब मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ क्या बात है मैं एक गांव से रहने वाली थी बिल्कुल बिल्कुल तो, तो बहुत खुशी का मतलब अंदाजा नहीं रहता हूं। अरे वाह क्या बात है तो ये जो खुशी होती है ये जो बात होती है ये वाकई में हम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी होती है क्या सोचती हैं कि क्या और सुविधाएं हमारी बहनों को मिलना चाहिए कि वो आगे आए तो जैसे बहनों को ए, सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे गांव में जैसे गांव वगैरह है तो जैसी महिलाओं पे थोड़ी रोक टोक है वो वहां जा रही है तो ऐसी रोक टोक थोड़ी खत्म होना चाहिए तो जो महिलाएं काम करने की इच्छुक है वो आगे बढ़ के कार्य करें और ए, मतलब बहुत ज्यादा वो अनुभव ले पढ़ी लिखी महिलाएं भी है गांव में इसे बहुत से गांव में फाइनल वाली महिलाएं मगर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है घर वालों से या वो काम करना चाहती है तो गांव से सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो ऐसी बहनों को या दीदियों को आगे बढ़ कर उनका सपोर्ट परिवार को भी करना चाहिए गांव के लोगों को भी सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारी ये मतलब बहन है ये आगे बढ़ के कुछ काम करें और अभी क्या है कि महिला दिवस पर महिलाओं पर बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं और हर जगह महिलाओं को जो ग्रामीण आजीविका मिशन है हर जगह महिला को सहयोग करके बढ़ा रहे तो मतलब महिलाएं आगे बढ़ के कुछ कार्य करना चाहे तो उसको सपोर्ट करने का हर उनके परिवार से गांव का या जहां भी महिला कार्य करना चाहती तो हर जगह से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए और क्या उम्मीदें बना के रखी कि आने वाले समय में क्या क्या काम करेंगी आने वाले समय में मैं सबसे ज्यादा तो जैसे अपनी जो जमीन है वो जहरीली होती जा रही है तो मैं आने वाले समय में कि हर किसान भाई और हर किसान बहने जैविक की तरफ थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जैविक की तरफ आए उससे क्या अपने खान पान में अभी बहुत सारी बच्चे मतलब जो चश्मा कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। वो क्या अपने खान पान की वजह से हो जाती है तो जो जैविक जितने अच्छे से जैविक दीदियाँ करेंगी तो मेरा यह है कि हर किसान भाई हर दीदियाँ जैविक की तरफ आए और जैविक से अपना खान पान बदले क्योंकि इसलिए अभी क्या है कि जो महिलाएँ बहुत सारी समस्या भी आती हैं महिलाएँ खुल के नहीं बता पाती हैं तो ये अपना खान पीन की वजह से होती है तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं जैविक के ऊपर काम करूँ और जैविक से ही आगे देश को में कार्य है तो बिल्कुल हमारी जो मालती बहन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो आगे उन्नति करें और इसी तरह वो अपनी बहनों के साथ काम करती रहें और जैविक खेती में आगे बढ़कर अपना योगदान दें हम इन्हें फिर से महिला दिवस की शुभकामनाएं है देते हैं और आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी गर्व महसूस हुआ स्टूडियो में आने का जी हाँ तो किसान भाइयों अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के बाद मिलते हैं एक और प्रगतिशील किसान महिला से अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं अच्छा ये बात है हाँ, क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन सत्तर लाख टन बढ़ाने के लिए संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ और रामागुंडम संयंत्र के की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 10 तक बढ़ेगा, बढ़ेगी से 15 नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के विशेष कार्यक्रम में आज है महिला दिवस हम सभी बहनों को महिला दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मिलते हैं अपनी एक और प्रगतिशील महिला से प्रीति मालवी से जी बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे कार्यक्रम में आप अपना परिचय खुद दीजिए जी मैम सभी को नमस्ते मेरा नाम प्रीति मालवी है और मैं ग्राम बिछोली से हूँ तहसील अच्छा और जिला सीवर से हूँ तो प्रीति आप कैसे स्व सहायता समूह से जुड़ी कैसे आपके मन में ये विचार आया कि हमें इस स्व सहायता समूह से जुड़ना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए जी आ, मैं जब घर में रहती थी पहले तो पर जब आजीविका मिशन हमारे गांव में 2018 में आया तो वहाँ पे जब आजीविका मिशन के जो सर मैडम वगैरह आए तो उन्होंने पूरा बताया आजीविका मिशन के द्वारा कि गरीब दीदियों को कैसे आगे बढ़ना है समूह में जुड़ने के लिए उनकी छोटी छोटी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगर समूह में बढ़ना है तो समूह में जुड़ना चाहिए तो बस उन्होंने जो समझाया उसी के मतलब समझाने के आधार पे समूह में जुड़ गए हम समूह में आप जुड़े तो समूह में जुड़कर आपने क्या क्या काम किया क्या सीखा आपने समूह में जुड़ने के बाद में बहुत सारी जो ट्रेनिंग ली हमने जैसे कि गांव में जाकर दीदियों को समझाना समूह बनाना जो गरीब दीदियों हैं उनको समझाकर समूह में जोड़ना ये सारी ट्रेनिंग ली और फिर हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते गए बढ़ते चले गए प्रीति आपने कहा हम समूह में जोड़ते हैं क्यों जोड़ते हैं क्या समझाती हैं आप उसमें कि समूह में क्यों जुड़ना चाहिए समूह में जो गाँव की गरीब दीदियाँ रहती हैं वो वैसे तो कहीं पे जाती नहीं बस घर और खेती बाड़ी करती रहती हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि उनके पास में एक रुपए भी नहीं निकलता है हुँ. तो समूह में कम से कम ज़्यादा नहीं तो दीदियों में एक क्षमता रहती है कि वो कुछ थोड़ा बहुत घर में बचा के रखती है तो वो वहाँ पे नहीं बचा के जहाँ पे जहाँ दस दीदियाँ इकट्ठी होती है वहाँ पर बचाती है तो जहाँ पर वो एक दीदी कुछ बचत करती है वह दस मिल के बचत करती है तो वो बचत थोड़ी ज्यादा हो जाती है और कभी बाई चांस कभी को किसी को कुछ हो गया तो इमरजेंसी में वो उसका काम चला दे बिल्कुल तो हम पैसों का भी मतलब जोड़ते, जोड़ते हैं जोड़ते और है। पैसे हम एक दूसरे को देते हैं क्या हम कोई उत्पाद भी बनाते हैं कोई लघु कुटीर उद्योगों का भी काम होता है क्या हाँ इसमें लघु उद्योग का भी काम होता है जैसे कोई दीदी अच्छी पढ़ी लिखी है या कार्य करना चाहती है या कोई दीदी घर में ही बैठकर कुछ कार्य करना चाहती है जैसे कि झाड़ू बनाना या वो चूड़ी बनाना ये सारे कार्य भी इसमें सिखाते हैं दीदियों को ताकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी सी हो जाए तो जब आपको दीदी ने सिखाया और बताया कि स्व सहायता समूह में जुड़ना है तो इतना आसान तो रहा नहीं होगा नहीं तो परिवार वालों ने सब सहयोग किया कि फिर थोड़ा सा जूझना भी पड़ा नहीं पहले तो परिवार वालों ने मना कर दिया बोले कहा की झंझट है रहने दो तुम तो ऐसे बहुत सारे आते हैं और पैसे ले लेके चले जाते हैं पहले तो मना कर दिया पर जब भी वो जब दो चार दस बार आए एक ही गांव में वो बहुत बार आए तो उनको बैठ बैठ कर समझाया फिर सारी चीजें बताई कि हम फ्रॉड नहीं है हम नहीं। अच्छे से हैं मतलब तो फिर घर वालों ने भी बोल दिया चलो ठीक है बोले सौ रुपये तो है जुड़ के देखो आप ठीक है तो ऐसे बस फिर भरोसा बनता गया और जुड़ते गए और हमने फिर दीदियों को भी जोड़ना चालू क्या बात है भरोसा बनता गया और लोग जुड़ते गए जी हाँ बिल्कुल एक कदम आपको बढ़ाना है तो कारवा अपने आप बढ़ेगा प्रीति जब आप किस तरह से काम करती हैं स्व समूह भी जाना है घर परिवार भी संभालना है तो घर परिवार में कौन कौन है Uh, मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड मेरी गुड़िया और मम्मी पापा हम पांच लोग हैं और मम्मी पापा भी बहुत सारा सपोर्ट करते हैं कि ये जल्दी जल्दी कार्य करके और इसका काम चल जाए ऐसा तो हो जाता है सब बढ़िया हो जाता है मैंने तो अब ये बताइए प्रीति जब नहीं करते थे तो घर में रहते थे और जब काम करने लगे और जब हम जाने लगे लोगों से मिलने लगे तो कितना अंतर आया उस प्रीति में और इस प्रीति में Uh, काफी अंतर आया पहले बस गांव के कुछ अड़ोसी पड़ोसी पहचानते थे कि ये फलाने की लड़की है या प्रीति है बस यही गांव में पहचानते थे लगभग पर अभी नहीं। नहीं। पूरे इछावर तहसील में भी नहीं। नहीं। पूरा कार्य करते हैं हम तो हर कोई भी बता देगा कि प्रीति हाँ वो फलाने गांव की प्रीति मैडम है वो अच्छी है हमारे साथ में मिल बैठ कर कार्य करती है करवाती है और बस ऐसा मतलब खुशी होती है हाँ। पहचान बनी हुई है प्रीति की एक है ना तो ये प्रीति की पहचान प्रीति ने स्वयं बनाई है अपनी मेहनत से हाँ, ठीक है तो आ, इसके लिए कोई आपको ट्रेनिंग मिली कोई प्रशिक्षण मिला मिला तो कहाँ से मिला आ, हाँ, मिला ना प्रशिक्षण जैसे कि हम एनआरएल द्वारा बुधनी से करवाते हैं सभी की सब जितनी भी दीदी आगे बढ़ना चाहती है उसके लिए वो वहां पे भेजते हैं कि उसको कैसे बोलना है कैसे फील्ड में काम करना है कैसे फील्ड में दीदियों को समझाना है या कोई भैया लोग भी उनसे पूछते हैं तो उनको कैसे बैठ कर समझाना है ये सारी चीजें की ट्रेनिंग पहले हमें देते हैं फिर हम कार्य करते हैं जी हाँ और इसके अलावा आप और क्या क्या काम करती हैं वो भी हमारे बहनों को बताइए मैं जब सोच सहायता समूह में पहली पहली बार जुड़ी थी तो बस ये फील्ड का काम थोड़ा बहुत करती थी पर अभी मेरे पास में पी की दुकान है जो राशन बांटते हैं ना वो वाली दुकान भी है मेरे पास में और अभी उपार्जन का जो कार्य चलता है ना खरीदी वाला जी वो भी है मेरे पास में मैं उसमें भी मेरी जो समूह की दीदिया वगैरह पूरी सपोर्ट करती हूँ वो भी उसमें खरीदी करवाती हैं मतलब पूरी दस दीदियाँ मिलकर हम उसमें खरीदी करते हैं कमीशन कितना बेस समय हो गया प्रीति आपको काम करते मेरे को चार साल हो गए आजीविका मिशन में काम करते करते तो चार साल में बहुत परिवर्तन लगा बहुत परिवर्तन हुआ बहुत नहीं मतलब काफी परिवर्तन हुआ मेरी जो लाइफ है मेरी जिंदगी में तो काफी परिवर्तन हुआ क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इतने गरीब घर की लड़की कहाँ तक पहुँच ऐसा तो परिस्थिति में भी सुधार हुआ। हाँ, काफी सुधार हुआ हमें मानदेय दिया जाता था पंद्रह सौ या तीन हजार रूपए ऐसे करके फिर हम धीरे धीरे जैसे आगे आगे बढ़ते गए वैसे मानदेय भी बढ़ता गया फिर अभी मेरे पास में दो साल से पीडीएस की दुकान और उपार्जन का कार्य उसमें काफी बढ़ोतरी हुई क्या बात है तो अब ये है कि प्रीति के पास अपनी खुद की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है और पूरी बागडोर आपके हाथ में है हाँ। तो अब जो पति देव हैं उनका क्या कहना है जो पहले मना करते थे हाँ उनका ये कहना है कि एक मतलब एक पहचान थी कि तुझे मेरे से पहचानते थे कि वो कैलाश की मतलब उसकी वाइफ है पर आज मुझे तेरे वजह से पहचान मिली कि वो फलाने का आ, मतलब हस्बैंड है।, है या जी, पति ओके है, है। तो हमारी जो बहनें हैं एक खुशी होती है एक आत्मिक खुशी होती है कि हमारी अपनी भी एक पहचान है आ, कोई अनुभव बताना चाहोगी कोई साझा करना चाहोगी कि उसके बाद आपको लगा हो कि हाँ मैं ये सही काम कर रही हूँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ और अब इस काम को मैं हमेशा करती रहूंगी जैसे कि पहले गाँव में ही सारे लोगों मना करते थे कि मत करो मत करो क्या इतने से पैसे के चक्कर में भागना पर आज वही गांव वाले मिलकर कहते हैं कि नहीं, नहीं मतलब आज तक हमने नहीं किया वो कार्य जो तुमने कर दिखाया ऐसा बोलते हैं गांव वाला तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है मतलब कि चलो जो गांव वाले पहले बोलते थे कि मत कर आज वो बोलते हैं कि चल मतलब तू इतनी आगे निकल गई कि मत तो और भी महिलाएं आपके साथ आगे आने के लिए फिर तैयार होती है हाँ, वो सारी दीदियाँ बोलती है की दीदी हमें भी आप आपके साथ में रखो आपके साथ में कार्य करने का मौका मिले तो हम भी मतलब हमारी थोड़ी आर्थिक हुई स्थिति अच्छे से चला सके तो क्या क्या कार्य योजना

तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे गांव की लड़की है और हमारा थोड़ा सपोर्ट कर रही है तो ऐसे अच्छा सबका सपोर्ट मिलता है हाँ। जी तो जिस तरह मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि किस कोई ट्रेनिंग की है आपने उसका कोई अनुभव बताएं हाँ ट्रेनिंग बुद्धि में की है ना कि मतलब कैसे दीदियों को बोलना है समझाना है और पहले मैं ई का का काम करती थी तो उन्होंने वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी थी अभी एक दो बार हम भोपाल में भी आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए तो वहाँ पे भी मैडम ने अच्छा बोला था कि आप बहुत अच्छा मतलब कार्य कर रहे हो तो आप और भी करो आगे जहाँ पे भी हमारा सपोर्ट लगेगा हम आपको करेंगे क्या योजनाएं बना के क्या सपने हैं प्रीति के अभी मैम मेरा तो एक ही सपना है कि मेरी गुड़िया है अभी आठ साल की कि उसको अच्छा पढ़ा लिखा कर एक अच्छी डॉक्टर बना दूं ताकि उसका भविष्य भी थोड़ा अच्छा हो जाए बस अभी तो मेरा यही सपना है और कुछ मेरे साथ जो दीदिया है वो भी थोड़ी आगे निकले कि उनको भी घर से बाहर निकलने का मौका मिले काम करने का मौका मिले ताकि उनकी भी थोड़ी इनकम में बढ़ोतरी हो आत्मनिर्भर बने आत्मनिर्भर बने दीदिया जी। ऐसा मेरी जो इच्छा है अभी ऐसी है बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी जो जिस तरह प्रीति ने एक कदम आगे बढ़ाया आगे बढ़कर काम किया समाज के साथ काम किया बहनों के साथ में काम किया और आज वो अपनी खुद की पहचान बना पाई हैं साथ ही आत्मनिर्भर बनाने में दूसरी बहनों को भी मदद कर रही हैं तो बिल्कुल हमारा जो समाज है आगे बढ़ेगा क्योंकि जब एक कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति पढ़ता है लेकिन एक महिला पढ़ती है तो पूरा का पूरा परिवार और खानदान शिक्षित हो जाता है तो बिल्कुल इस तरह से हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी और अब तो प्रीति हर क्षेत्र में हमारी बहनें आगे आ गई हैं एरोप्लेन भी चला रही हैं हाँ। सैनिकों में भी हैं हमारी बहनें हर काम कर रही हैं और देखिए आज हम भी आपके सामने बैठे और सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज प्रीति जैसी महिलाएं भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं और आगे चल कर रह रही हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप यहाँ पर आए हाँ। और आपको फिर से एक बार महिला दिवस की शुभकामनाएं और किसान भाइयों अब कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती देखने का तो आइए देखते हैं खबरें खेती की नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर इस वर्ष चार लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य वैज्ञानिक प्राकृतिक खेती के लिए कार्य योजना बनाए किसान को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराएं सब्जियों की उन्नत किस्में और नींबू को रोग से बचाएं और अब खबरें विस्तार से केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक की अध्यक्षता की जिसमें आगामी रबी विपणन सत्र 2022-23 और खरीफ विपणन सत्र 2021-22 की रबी फसल की खरीद व्यवस्था पर चर्चा की गई आगामी रबी विपणन सत्र 2022-23 सत्र के दौरान खरीद के लिए 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा का अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष 2021-22 सत्र के दौरान की गई खरीद के अनुमान से अधिक है इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजाब में 132 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में एक हरियाणा में पिचासी उत्तर प्रदेश में साठ राजस्थान में तेईस बिहार में 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य है इसी प्रकार उत्तराखंड में दो दशमलव दो शून्य एवं गुजरात में दो लाख मीट्रिक टन तथा हिमाचल प्रदेश में सत्ताईस हजार मीट्रिक टन जम्मू कश्मीर में पैंतीस दिल्ली में अठारह अच्छा हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कृषि वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा में कहा कि प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं मौजूद हैं उन्होंने संस्थान में फसलों का निरीक्षण भी किया कृषि मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करें जिससे युवा बेहिचक होकर इससे जुड़ें उन्होंने मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं प्रकारों का मानचित्रण किए जाने में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान से अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है कृषि मंत्री ने इस कार्य में प्रदेश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालयों को समन्वय कर कार्य करने को कहा है उन्होंने अपेक्षा की कि यह कार्य आगामी छह माह में पूर्ण कर लिया जाए उन्होंने कहा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय विस्तृत कार्य योजना तैयार करें कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा में भारतीय मृदा संस्थान के निदेशक ने प्रदेश की मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवी विविधता एवं संख्या का जीपीएस आधारित मानचित्रण की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की किसानों को उनकी मांग के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाने के लिए बीज संघ को सशक्त बनाया जाएगा, बीज उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों के सुझाव पर अमल किया जाएगा मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया ने यह बातें मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ की सामान्य सभा की बैठक में कही संघ की सामान्य सभा की सोलवी बैठक समन्वय भवन में हुई डॉक्टर भदरोया ने कहा कि बीज संघ द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा और बीज उत्पादक समितियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा ग्रीष्म ऋतु में कद्दू वर्गीय सब्जियां अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं जो बेहतर उत्पादन के साथ कृषकों की आमदनी में इजाफा करती हैं किसान भाइयों को वैज्ञानिकों से सलाह कर उन्नत किस्में बोनी चाहिए जिससे नुकसान कम तथा लाभ अधिक प्राप्त हो सके अधिक उत्पादन के लिए सब्जियों की इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए जैसे लौकी पूसा समर प्रोलिफिक लौंग पूसा नवीन पूसा हाइब्रिड तीन अर्का बहार पूसा नवीन पूसा संदेश पूसा संतुष्टि पूसा समृद्धि कद्दू पूसा विश्वास पूसा अलंकार अर्का चंदन तुरई पूसा नसदार अरका सुमित अरका सुजाता करेला कोयम्बटूर लौंग पूसा दो मौसमी प्रिया अर्का हरित पूसा विशेष टिंडा अर्का टिंडा पंजाब टिंडा खरबूजा पूसा मधुरस गुजरात खरबूजा अरका जीत हिसार मधुर तरबूज शुगर बेबी अर्का मनिक, आसाटी, यामाटो, अर्का ककड़ी, करनाल अर्का शीतल, पंजाब लॉन्ग मेलन और अब अंत में नींबू को रोग से कैसे बचाएं? आमतौर पर हर जगह नींबू लगाया जाता है प्रायः फलों पत्तियों तथा टहनियों पर कहकर रोग के धब्बे पाए जाते हैं इसके नियंत्रण के लिए कटाई छटाई के बाद बोर्डो मिश्रण घोल का दो छिड़काव पंद्रह दिनों के अंतर से करें इसके अलावा पत्तियों पर पीलापन सूक्ष्म तत्वों की कमी से आता है जिनमें जिंक कॉपर मैग्नीज प्रमुख है पीलेपन की रोकथाम के लिए जिंक 200 ग्राम बोरिक एसिड 100 ग्राम फेरस सल्फेट 200 ग्राम सभी को अलग अलग पानी में भिगोकर छानकर 100 लीटर पानी में मिलाकर एक छिड़काव करें फल वृक्षों के तनों पर बोर्डो पेस्ट का लेप भी लगाएं वार्षिक रख के लिए सक्रिय जड़ों के पास थाला बनाकर गोबर खाद दस किलो यूरिया पांच सौ ग्राम पांच सौ ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा दो सौ पचास ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौध दें इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी तो किसान भाइयों आज खबरें कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार तो किसान भाइयों आज का हमारा विशेष कार्यक्रम रहा कृषि दर्शन का महिला दिवस के ऊपर और, और हमने आज बात की प्रीति मालवी से और मालती नागर से ये ऐसी प्रगतिशील महिलाएं थीं जिन्होंने आगे आकर समाज में अपना काम किया नाम रोशन किया हम यही चाहते हैं कि महिलाएं इसी तरह आगे आएं और कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर इस समाज में अपना स्थान बनाएं महिला दिवस की एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं और ये कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं अनुमति दीजिए नमस्कार